नहाने का वक्त। चलो नहाने, माँ बोली। लेकिन बच्चा कभी भी नहाने के टब में बैठकर नहाता नहीं था। क्या वो नहाने का टब समुंदर से भी गहरा था या नहाने का पानी सूरज की गर्मी से भी ज्यादा गर्म था? और ये ऊपर बुलबुले कैसे? क्या नीचे कोई राक्षस तो नहीं? बच्चे को ये सब बात मालूम नहीं थी, तो उसने टब को लात मारी और जोर से चिल्लाई। उसको नहीं जाना था। माँ ने बच्चे को गले लगाया और उसको दिखाया कि नहाने में कितना मजा आता है। पानी हल्का सा गर्म था, उसको अच्छा लगा। माँ ने ऊपर से थोड़े बुलबुले ले लिए। बच्ची ने उस बुलबुले को हाथ लगाया, वो तो हवा से भी हल्के थे। फिर इस बुलबुले ने बच्ची के चेहरे पर दाढ़ी बनाई और सिर पर टोपी बनाई। बुलबुले ने भी बच्ची को गुदगुदी की और जब ये बुलबुले बच्ची की नाक में गए तो बच्ची को जोर से छींक आई। फिर माँ ने धीरे धीरे बच्ची को नहाने के टब में रखा और पानी ऐसे आया जैसे कोई चादर ओढ़ ली हो। बच्ची ने पानी में हल्के से हाथ मारा, थोड़ा सा पानी बाहर आ गया। फिर बच्ची ने जोर से हाथ मारा और बहुत सारा पानी बाहर आ गया। फिर माँ ने साबुन ले लिया। साबुन से माँ ने पूरे टब में बुलबुले बनाए और बच्ची को नहलाना शुरू किया। बच्ची को बहुत गुदगुदी की, पानी में वो बहुत खेली। उसने हंस हंस कर इसका मजा ले लिया। माँ ने बच्ची के बालों पर शैम्पू लगाया और बच्चे का सिर बुलबुलों से पूरा भर गया। आगे क्या होने वाला है ये बच्ची को मालूम था। माँ ने उसको टब के बाहर निकाला और उसको तौलिए में बांध दिया। उसने बच्ची को तौलिए से पोछा और बाल भी सुखाए। बच्ची एकदम सुंदर और साफ दिखाई दे रही थी। अब उसको नहाना अच्छा लगने लगा था। स्वर्णहंस। सिंपलटन तीन भाइयों में छोटा और समझदार था, पर हर दिन वह लकड़ी काटने जाता था, साथ भोजन लेकर जाता और कभी किसी चीज की शिकायत नहीं करता था। एक दिन एक बूढ़े आदमी ने दो बड़े भाइयों से कुछ भोजन दान में मांगा, पर उन्होंने कुछ भी देने से इनकार किया। अचानक बड़ा भाई बीमार पड़ गया तो उसे घर जाना था। दूसरे भाई के पैर में चोट आने के कारण वो भी घर चला गया। सिंपलटन अकेला रह गया था। उसने अपना भोजन बूढ़े आदमी के साथ बांट कर खाया। उन्होंने भोजन का आनंद उठाया। सिंपलटन के दयावान गुण के कारण बूढ़े आदमी ने एक पेड़ की ओर इशारा किया। जैसे ही सिंपलटन ने पेड़ काटा, उसे एक स्वर्णहंस मिला। वह स्वर्णहंस को लेकर घर निकल पड़ा। राज्य के द्वार पर उसे रुकना पड़ा। द्वारपाल की बेटी ने हंस का स्वर्ण पंख ऐंठना चाहा। पर पंख को छूते ही वह पंख से चिपक गई। इस लड़की की बहन ने लड़की को छुड़ाने की कोशिश की तो वो भी चिपक गई। उन दोनों की छोटी बहन उनकी मदद करना चाहती थी और स्वर्ण पंख को खोना भी नहीं चाहती थी। फिर क्या, वह भी इन दोनों के साथ चिपक गई। सिंपलटन को समझ में नहीं आया कि क्या करे। वह हंस को लेकर घर की ओर चलने लगा। साथ में पीछे पीछे वह तीन बहनें भी चिपक कर चलने लगी। वह शहर के बाजार से गुजर रहा था। हर शहरी सिंपलटन को स्वर्ण हंस और चिपके हुए बहनों को हैरान होकर देखने लगे। कुछ लोगों ने तीन बहनों को छुड़ाना चाहा और कुछ लोगों ने हंस का पंख ऐंठना चाहा। वे सभी चिपक गए और सिंपलटन
जैसे सभी चिपकुओं के जुलूस को आगे बढ़ा रहा था, जिनमें एक चर्च का पादरी, एक कब्र खोदने वाला रसोईया और एक सिपाही और एक कोतवाल भी था। सिंपलटन रास्ते में एक महल से गुजर रहा था जो महाराज का था, जो एक राजा का था। राजा की बेटी थानी राजकुमारी, जो कभी मुस्कुराती नहीं थी। राजकुमारी खिड़की पर उदास बैठी थी और सिंपलटन को वहाँ से गुजरते देखा, जिसके पीछे लोगों की लंबी कतार थी, जो स्वर्ण हंस को चिपके हुए थे। वह ये सब देखकर हंस पड़ी और जोर से चिल्लाने लगी। राजकुमारी के पिता महाराज हैरान होकर राजकुमारी के पास दौड़े आए, ये जानने के लिए कि क्या हुआ। राजकुमारी को मुस्कुराता देखकर राजा भी खुशी से हंसने लगा। राजकुमारी के साथ सिंपलटन का विवाह राजकुमारी के साथ हुआ। वे दोनों एक संतुष्ट और हंसते मुस्कुराते जिंदगी जीने लगे। सुंदरी और क्रूर जानवर। बहुत साल पहले एक लड़की थी जिसका नाम कोई नहीं जानता था। वो बहुत सुंदर थी, इसलिए सभी उसको सुंदरी कहकर बुलाते थे। सुंदरी के पिता को काम के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता था। सुंदरी की दो बहनों ने पिताजी से बहुत सारे गहने मांगे, लेकिन सुंदरी ने खाली एक गुलाब मांगा। सुंदरी के पिता बारिश में सफर कर रहे थे, फिर उन्हें एक खाली महल दिखा। वो उसमें अंदर सो गए। सुबह उठने के बाद उन्हें महल के अंदर बहुत ही सुंदर गुलाब का एक पेड़ देखा। ऐसा पेड़ पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने इस पेड़ से एक अच्छा सा गुलाब सुंदरी के लिए ले लिया। वो खुश थे कि सुंदरी इस गुलाब को देखकर बहुत खुश हो जाएगी। लेकिन अचानक से एक बड़ी सी आवाज हुई और खूंखार क्रूर जानवर उनके सामने आया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गुलाब चोरने की, जानवर जोर से बोला। सुंदरी के पिता ने उसे सारी बात बताई, लेकिन उसने कुछ नहीं सुना। गुलाब चोरने के बदले वो चाहता था कि सुंदरी या तो सुंदरी के पिता उसके साथ रहें। सुंदरी के पिता अपने बेटियों को बहुत चाहते थे, लेकिन ये जानवर बहुत डरावना था। गुलाब चोरी किया इसलिए सुंदरी के पिता ने जानवर की बात मान ली। वो अपनी बेटियों के लिए तोहफे लेकर घर आ गए और उन्होंने इस जानवर की पूरी बात अपनी बेटियों को बताई। सुंदरी की बहनें उसे ही कोसने लगी। सुंदरी ने अपनी बैग भर ली और जाने के लिए तैयार हो गई। उसे महल पसंद आया और महल के अंदर की सारी चीजें भी पसंद आई, लेकिन वह जानवर से बहुत डरती थी। कुछ समय बीतने के बाद वो एक दूसरे से बातें करने लगे और सुंदरी को उसका साथ अच्छा लगने लगा। हर रात खाना खाने के बाद वो उसे शादी के लिए पूछता था और वो हमेशा ना बोलती थी। सुंदरी के कमरे में एक आईना था जो उसे उसका घर दिखाता था। एक दिन उसने देखा कि उसके पिता बीमार है। वह जानवर को विनती कर रही थी कि उसे पिताजी के पास जाना है। उसने सुंदरी की विनती मान ली क्योंकि वो उसे बहुत चाहता था, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि एक हफ्ते के अंदर उसे वापस आना होगा। सुंदरी उसके घर गई। वो बिल्कुल खुश नहीं थी। उसके पिताजी अब ठीक हो गए थे, उसकी बहनें भी सुधर गई थी। उसे घर आकर
एक हफ्ते से भी ज्यादा दिन हो गए थे। एक रात उसने सपना देखा कि ये क्रूर जानवर बहुत बीमार है। वो तुरंत महल जाने के लिए निकली, लेकिन पहुंचने के बाद उसने जानवर को जमीन पर गिरा हुआ देखा, लगभग मरे हुए अवस्था में। नहीं, नहीं, सुंदरी रोने लगी, मुझे छोड़कर नहीं जाना, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फिर अचानक से उस जानवर के पंजे हाथ में बदल गए, उसकी अयाल बालों में बदल गई, और उसका क्रूर चेहरा सुंदर राजकुमार के जैसा बन गया। उसने सुंदरी को कहा, मैं एक व्यर्थ राजकुमार था, मुझे शाप मिला था कि मैं क्रूर जानवर रहूंगा जब तक मुझको सच्चा प्यार करने वाला नहीं मिलता। सुंदरी राजकुमार से प्यार करने लगी और वो दोनों खुशी से रहने लगे।